राम सीताराम दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। भजो सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम मेरे दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। बोलो सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम बोलो सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री श्री सीताराम
सारे संसार को उत्पन्न करने वाले और पालने पोषने वाले हैं। जगत के हर जीव के माता पिता हैं। धर्म के उत्थान और जगत के कल्याण के लिए ये दोनों भांति भांति की लीलाएं करते रहते हैं। भक्त जनों, इसी प्रकार एक बार जनक नंदिनी श्री सीता जी ने अपने बाल्यकाल में जनक महल में एक अद्भुत लीला की, जिसे देखकर महाराज जनक और महारानी सुनैना सहित पूरा जनक परिवार आश्चर्यचकित रह गया। वो लीला क्या थी, ये आप भी प्रेम से सुनिए। तो भक्त जनों, जनक जी के महल में शिव जी का एक बहुत विशाल और दिव्य धनुष था, जिसका नाम था पिनाक। ये वही धनुष था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश किया था और बाद में जनक जी के पूर्वजों को दे दिया था। ये धनुष इतना भारी था कि इसे हजारों महायोद्धा मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। एक दिन खेलते खेलते सीता जी ने उसी शिव धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। ये जानकर मिथिलेश जनक जी को घोर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसी समय ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। और जब सीता जी के विवाह का समय आया तो स्वयंवर में उसी शिव धनुष को तोड़कर भगवान श्री राम जी ने सीता जी का पाणिग्रहण किया। बोलिए श्री सीताराम सरकार की। सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। भजो सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। दशरथ नंदन जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। मेरे दशरथ नंदन जय श्री राम, सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम।
राम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम, ओ दशरथ नंदन जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। भक्तजनों, भगवान श्री राम और जगदम्बा सीता जी दोनों ही परमेश्वर और परमेश्वरी हैं। इनकी लीलाएं ना कोई जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। इनकी कृपा से ही इन्हें जाना, समझा और पाया जा सकता है। वनवास की लीला करके लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री सीताराम ने सारे संसार को एक आदर्श सीख दी है। इसी वनवास लीला में जब चित्रकूट से तीनों पंचवटी पहुंचे और वहां शूर्पणखा वाली घटना घटी, तो भगवान श्री राम ने एकांत में सीता जी से कहा, सीते, राक्षसों के विनाश का जो संकल्प लेकर हम वन में आए हैं, उसके आरंभ का समय आ गया है। अतः तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अग्निदेव में समाहित करके उन्हीं के यहां निवास करो और मेरी लीला सहयोगिनी के रूप में अपना प्रतिबिंब यहां छोड़ जाओ। प्रेमी जनों, सीता जी ने राम जी के वचनों को शिरोधार्य किया और पंचवटी की कुटी में अपना प्रतिबिंब छोड़कर स्वयं अग्निदेव में समाहित हो गई। इसी के बाद रावण की प्रेरणा से मारीच सोने का हिरण बनकर पंचवटी में आया और सीता हरण की घटना हुई। सीता जी की खोज करते करते राम जी लंका पहुंचे, रावण का वध किया और सीता जी को पुनः प्राप्त किया। परंतु सीता जी को स्वीकार करने से पहले
श्रीलंका में राम जी के कहने पर सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। क्या आपको पता है इस अग्नि परीक्षा के दो मुख्य कारण थे? पहला तो ये कि वास्तविक सीता जी जो अग्नि में निवास कर रही है वो वापस आ जाए और यह प्रतिबिंब अग्नि में समाहित हो जाए, और दूसरा ये कि एक अधर्मी पापी राक्षस के यहाँ रहने के उपरांत भी सीता जी निष्कलंक है, पवित्र है, ये प्रमाणित हो जाए। तो गुणीजनों, इस प्रकार दोनों ने भक्तों के मन को भावुक कर देने वाली लीला करके अपने अपने आदर्श को प्रमाणित किया और पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। बोलिए श्री सीताराम सरकार की। सीताराम 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 दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। ओ सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। ओ दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। दशरथ सीताराम सीताराम सीताराम। दशरथ नंदन जय श्री राम।